हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये जो व्लॉग है ना, ये मंगलवार की मॉर्निंग का ही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया है, चिकू को नहला दिया है, खुद भी मेरा नहाना वगैरह हो चुका है, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं, तो अब इसी टाइम पे मैं अपनी डस्टिंग की थोड़ी बहुत काम करती हूँ। बाहर का एरिया होता है, बालकनी वगैरह, उनको क्लीन करती हूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। मैं सीढ़ी पे और बालकनी वगैरह में इस टाइम अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी मुझे नहीं मिल पाता है टाइम। थोड़ा लेट भी उठती हूँ ना, 7 बजे तक उठती हूँ, तो मुझे फटाफट अपना बाकी का काम करना होता है, नाश्ता, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह। तो ये सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही ये सारे काम मैं करती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ फ़िलहाल। और अभी मैं आ गई हूँ बेड वगैरह क्लीन करने। तो सेकेंड रूम में तो मैंने फ़िलहाल, चिकुआ जल्दी सो गया है तो उसे मैंने सुला दिया है, तो अब मैं इस रूम को क्लीन करूँगी। और ये जो आप सिंगल गद्दा देख रहे हैं ना, धूप बहुत अच्छी हुई थी तो मैंने इसे धूप दिखाने के लिए रख दिया था मॉर्निंग में ही, तो लगभग 2 घंटे धूप इसे मैंने दिखा दिया है। और अब मैं अपने बेड पे इसे सेट कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैट्रेस के ऊपर इसे डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे कहीं और रखती हूँ तो बहुत स्पेस भी लेता है, और इसके ऊपर डाल के यूज़ कर लेती हूँ, इससे सही रहता है, स्पेस भी बचता है और यूज़ भी होता रहता है। तो यही मैं करती हूँ, तो अभी वही बेडशीट वगैरह लगा दूंगी, ये रूम अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वो रूम तो मैंने सेट कर लिया है मॉर्निंग में ही, क्योंकि चिकू को भी लेटना वगैरह रहता है, तो मैं देख रही थी कि वो आज जल्दी सो जाएगा, बहुत जल्दी आज वो उठ गया था, तो इसीलिए वो जल्दी सो गया है। तो मैं ये रूम अपना क्लीन कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम है ना, वो आज मैं इस रूम का करूँगी, क्योंकि अभी क्या है ना, नवरात्र वगैरह था, फिर दशहरा था, तो पूजा पाठ टाइम टू टाइम सब कुछ करना रहता है, तो थोड़ी बहुत जो डस्टिंग का काम होता है ना, वो मेरा रुक गया था, कभी बाहर जाना, कभी कुछ है, यही सब चल रहा था, तो मैंने नहीं किया था। तो आज फ़िलहाल मैं वही करने वाली हूँ, जैसे कि सोफ़ा को क्लीन करूँगी, आसपास का एरिया थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दूँगी, और टीवी के आसपास को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, टीवी को करूँगी। रूम तो मेरा चारों तरफ से पैक है, लेकिन पता नहीं क्या क्यों कहीं से भी जैसे लगता है कि डस्ट इकट्ठा हो ही जाता है, अगर मैं 2 दिन भी ना करूँ ना तो हल्का फुल्का डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो अभी वही हो चुका था, तो वही मैंने देखा, तो मैंने सोचा आज मैं इसे पहले कर देती हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से कर दो ना तो फिर हल्का हल्का भी बराबर आप करते रहो तो वो एरिया अच्छे से क्लीन ही रहता है। तो वही मैं आज कर रही हूँ, इन सबको अच्छे से क्लीन कर देंगे। और आज ना धूप बहुत ही अच्छी हुई थी, तो मेरे कुछ कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह, कुछ कुशंस, कवर, और बेडशीट तो 2-3 हो चुकी है, तो मैंने उसे भी धुलने के लिए लगा दिया है कि साइड में वो भी काम होता रहेगा और मेरा अंदर का भी काम होता रहता है, इससे क्या और टाइम भी बचता है और दोनों काम साथ में मैनेज भी हो जाता है। जब तक वो सो के उठेगा ना, तब तक मेरे ये सारे काम हो चुके होंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट ही बना सॉरी लंच बनाना रहेगा अपने और चीकू के लिए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत उसका टॉय वगैरह है उसकी भी डस्टिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि धूप अच्छी होने लगी है ना, और इसी तो अब जब धूप लगातार होने लगेगा तो अभी मुझे इसके टॉय वगैरह को भी अच्छे से क्लीन करना है, काफ़ी दिन हो चुके हैं और दिवाली आ रही है, तो इस टाइम तो हमें अच्छे से सब कुछ क्लीन करना है। वैसे तो नवरात्रि से पहले मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमारा क्लीन करने का काम होता ही रहता है रूम को, तो वो सब भी होगा ही, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं होगा, 2-4 दिन गैप लेके मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लगातार फेस्टिवल से भी आप काम करिए ना तो थकान हो जाती है, तो बीमार होने से अच्छा है कि आप अपने काम को धीरे धीरे ही करें, ताकि काम भी होता रहे और आप भी फिट रहें। तो बस मैं वही करती हूँ, धीरे धीरे कामों को मैनेज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो अभी कुछ टाइम बाकी है, तो अभी तो फ़िलहाल हमारी करवा चौथ की ही सारी तैयारियाँ चलती रहती हैं, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं करना। आज शाम को वैसे मेरा भाई आने वाला है करवा चौथ का सामान लेके, तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा क्लिप आपके साथ ऐड करूँगी। तो अभी सब कुछ, सारी डस्टिंग हो चुकी थी, तो झाड़ू लगा दिया था मैंने रूम में, और मेरे ना कल के कुछ कपड़े थे जो कि मैं डेली वेयर वाले ही हैं, उन्हें मैंने हाथ से धुला था तो वही सूख चुके थे, तो वो भी कपड़े मैं लेके आ गई थी, इन्हें भी फोल्ड करके अच्छे से सेट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, जो बाकी कपड़े मैं धुल रहे हूँ उसे डालने के लिए जगह भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं घूमने फिरने वाले सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह। बेडशीट तो 3-4 है, तो बेडशीट को तो मैं वैसे छत पे ही डालूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है जल्दी सूख भी जाता है और अच्छे से धूप भी लग जाती है। और जो छोटे मोटे कपड़े हैं उसे तो मैं बालकनी में ही एडजस्ट करके, सब कुछ एडजस्ट करके डाल दूँगी। वो तो ड्राई हो जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हुई है आज। और अब तो हर जगह हल्की हल्की ठंड भी स्टार्ट ही हो रही है। यहाँ भी जब रात हो जाता है ना, तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आप एसी वगैरह चलाइए तो आधे घंटे भी मुश्किल से आप एसी चलाइए तो रूम एकदम ठंडा हो जाता है, फिर आपको दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने सोचा कि जो भी मेरे धूप दिखाने वाले काम हैं, चाहे वो किचन के कुछ सामान हो या फिर कपड़े वगैरह हो, ब्लैंकेट हो, इन सबको मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँगी कि धूप दिखा दूँ अच्छे से। क्योंकि जब एक बार ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, धूप भी बहुत मुश्किल से ही निकलती है। कभी कभार लखनऊ में तो धूप भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही ठंडी भी पड़ती है लखनऊ में। तो अभी देख सकते हैं ये सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो अभी मैं ये सारा गंदा पानी निकाल के इसमें साफ़ पानी भर के मैं इसे इसी में क्लीन करती हूँ, 2-3 बार पानी चेंज कर दूँगी और फिर बगल में सारे कपड़े ड्राई कर दूँगी। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की शाम को, क्योंकि मेरा भाई आने वाला है तो वही खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो हमें सिर्फ अपनी सब्ज़ी बनाने में ही लगती है। तो सब्ज़ी में मैं मटर पनीर बना रही हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, नॉर्मल तरीका नहीं बना रही हूँ। तो इसके लिए ना मैंने अदरक, प्याज, हरी मिर्च, काजू, टमाटर, इन सबको हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल में सॉफ्ट होने तक, और उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाला था। नमक नहीं डाला था मैंने, मैं नहीं डालती हूँ नमक, मैं एक ही बार में डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, नमक का अंदाज़ा भी नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो उनको मैंने करके और फिर उसे ठंडा कर दिया था और फिर उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और अभी जब कढ़ाई गर्म हुई थी तो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग डाल दिया था, और जीरा नहीं डाला है मैंने, फिर थोड़ा सा हल्दी डाला था, और जो मैंने पेस्ट बनाया था, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, काजू, जीरे का, वो डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने फ्लोजल मटर डाला है, और उसी के साथ मैं भूनूंगी। मेरे ये जो मटर भी मिल रहा है ना इस टाइम फ्रोजल वाले, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, पहले क्या था कि हार्ड मिलता था हल्का, तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता था, बट इसको नहीं लगता है, एकदम सॉफ्ट ही है। तो इसी ग्रेवी के साथ ही वो मटर भी मेरा पक जाएगा। और फिर मैंने ना सुहाना का पनीर मसाला है वो डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, डेगी मिर्च डाल देंगे, और पनीर एकदम फ्रेश था तो मैंने उसे फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल के लो फ्लेम पे ही मैं इसे पकाऊंगी, और ऐसे ही गाढ़ी ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल में ही मैं इसे फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, और मेरा ये पनीर बनके तैयार हो जाएगा। पूड़ी के लिए मैंने आटा गूँथ लिया है, और जीरा राइस तो मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब मैं पूड़ी फ्राई करती हूँ दूसरे साइड ही वो भी बना लेती हूँ। तो वो दोनों तो मैं खाने के टाइम ही बनाऊँगी, क्योंकि पुलाव हो या पूड़ी हो गरम गरम दो तो अच्छा लगता है खाने में भी, जहाँ इंसान एक खाएगा वहाँ दो खा लेगा। तो बस सब्ज़ी में ही जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी, अब मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया है, मेरा भाई आ चुका है, और चीकू ना उसे देख के एकदम रोने लगता है, अभी नहीं जाता लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसके पास जाने लगता है। तो अभी देखिए, तो मेरा करवा चौथ का सारा सामान आ चुका है। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगला जो ब्लॉग होगा ना, उसमें मैं आपके साथ अपना करवा चौथ का जो भी मेरा सामान आया है मायके से, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर आपको मेरा सामान देखना है। और इस बार ना मैं फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, इसीलिए मेरी सारी चीज़ें मायके से ही आई हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप टाइम से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।